अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आलू भिंडी मसाला की रेसिपी घर के बेसिक मसालों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल में। आज हम आलू भिंडी मसाला बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। भिंडी आलू मसाला बनाने के लिए हमने 400 ग्राम भिंडी ले ली है, अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके पानी को हमने बिल्कुल सुखा लिया है। भिंडी में पानी नहीं होना चाहिए वरना इसमें लेस हो जाती है। अब देखिए, इसके आगे और पीछे के पार्ट को हम कट करेंगे और इसको 1 से 1.5 इंच के टुकड़े में काट लेंगे। तो देखिए, इतने बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी भिंडी है तो 3 टुकड़ों में काट लें और अगर छोटी है तो आप 2 टुकड़ों में कट कर लें। तो देखिए, इस तरीके से इतने बड़े बड़े हमें पीसेस कर लेने हैं। सारी भिंडी को हम ऐसे ही काट के रेडी कर लेंगे। और देखिए, हमने सारी भिंडी को कट कर लिया है और उसी के साथ हमने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है और उसको भी थोड़े से बड़े पीसेस में कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से जैसा काटना चाहते हैं काट सकते हैं। कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें कटी हुई भिंडी ऐड कर देंगे और भिंडियों को फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। भिंडी को फ्राई करने से जो भिंडी में लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। तो 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं और भिंडी फ्राई हो गई है और इसका कलर चेंज हो गया है। बस इतना ही हमें भिंडी को फ्राई करना है। अब इसके ऑयल को ड्रेन करते हुए हम भिंडी को बाहर निकाल लेंगे और फ्राई होने में भिंडी तकरीबन 50 से 60% तक टेंडर हो गई है। अब इसी ऑयल में 1 बड़ा चम्मच ऑयल और ऐड कर देंगे और इसको गर्म हो जाने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरे को हल्के से क्रैकल हो जाने देंगे। तो देखिए, ज़ीरा क्रैकल हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है और प्याज को हल्का सा कलर चेंज हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे अदरक लहसुन को, जब तक इसकी रॉ स्मेल खत्म नहीं हो जाती। और देखिए, अदरक लहसुन भी भून गया है। तो अब इसमें डालेंगे आलू जो हमने काट के रखे हैं और इसी के साथ डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आलूओं को प्याज के साथ में 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें आलूओं को प्याज के साथ भून लेना है। तो आलू भी अच्छे से भून जाएंगे और प्याज भी बहुत अच्छे तरीके से भून जाएगी। 2-3 मिनट हो गए हैं प्याज के साथ आलूओं को पकते हुए और देखिए, आलू अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें डाल देंगे टमाटर, तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को हमने बारीक चॉप कर लिया है और इसी के साथ डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। तो 1 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए जितना आप खाना पसंद करते हैं। नमक डालने से टमाटर और आलू जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी 2-3 मिनट हमने पकाया था, अब 3 से 4 मिनट और पका लेंगे तो आलू जो हैं तकरीबन 70 से 80% तक टेंडर हो जाएंगे। तो फिर से कवर कर देंगे और 4-5 मिनट के लिए और पका लेंगे। 4-5 मिनट और हो गए हैं आलूओं को पकते हुए। तो अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हमने लिया है 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों को और आलूओं को और पका लेंगे जब तक आलू 90% तक टेंडर नहीं हो जाते। तो अच्छे से मिक्स करना है हमें और इसी के साथ डाल देंगे 2 टेबल स्पून रोस्टेड करा हुआ बेसन, ये रोस्टेड वाला है, अच्छे से भून लिया है हमने बेसन को, भुना बेसन ही डालना है। भुना बेसन डालने से जो मसाला है वो बहुत अच्छे से गाढ़ा भी होगा और टेस्ट तो दुगना बढ़ जाएगा। तो अब इसको भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें 3-4 टेबल स्पून, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और अब हमें मसालों को पका लेना है आलूओं के साथ। तो मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे और आलू भी टेंडर हो जाएगा। तो फिर से कवर कर देंगे बस 2 से 3 मिनट के लिए। और देखिए, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है और आलू भी टेंडर हो गए हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए, आलू बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। तो अब इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी, तो आप जितनी ग्रेवी चाहते हैं उतना पानी ऐड कर दें। इसमें हम 1 ग्लास पानी ऐड कर रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसी के साथ डाल देंगे भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी थी
और अब डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून अमचूर का पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और अच्छे से मिक्स करेंगे। और भिंडी भी हमारी जब हमने फ्राई करी थी तो 60% तक टेंडर हो गई थी और आलू भी हमारा टेंडर हो चुका है, तो ज़्यादा नहीं पकाना है। बस अब हम पकाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए, कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 6 से 7 मिनट में आलू और भिंडी अच्छे से पक जाएगी। 5 से 6 मिनट और हो गए हैं सब्ज़ी को पकते हुए, तो फाइनली हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मसालेदार आलू भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, जो बेइंतहा लाजवाब है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इस सब्ज़ी को हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही लाजवाब आलू भिंडी मसाला गर्मा गर्म बन के तैयार हो गई है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको पूरी, पराठे और चावल के साथ खाइए, बेइंतहा लाजवाब लगेगी आपको। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर लेकर आऊँगी एक और मज़ेदार सी और न्यू रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।